यार लेकिन वहाँ की टेम्पटिंग लग रही है बहुत ज्यादा, इस तरह सजा रखी है, इतना बड़ा तवा उसमें भाजी। तो ये पाव भाजी की प्लेट है जिसमें भाजी इन लोगों ने पनीर को कद्दूकस करके और मक्खन डाल के दी है। बिरजू चाट भंडार कहाँ पे है? बुढ़ाना गेट पे। बहुत सारी आइटम है यहाँ पर और इना यहाँ पर इनका बर्गर भी फेमस है, इनकी पाव भाजी फेमस है। ये पूरा मेरठ ही फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए। मेरठ की सड़कों पर आओ तो आपको खुशबू ही खुशबू आती है खाने की, और खासकर इस जगह पर। ये जो है बुढ़ाना गेट के पड़ता है, क्या पड़ता है एग्जैक्टली, क्या एग्जैक्टली लोकेशन क्या है? जी बुढ़ाना गेट है। बुढ़ाना गेट और जी तुम्हारा क्या क्या मैं जी जिम जो जिम खाना रोड है वही वही। बिरजू चाट भंडार की पाव भाजी खाएंगे, लेकिन वो मैम जो है मैम से बात करो जरूर करेंगे। मैम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अभी हम यहाँ पर आए लाइव करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, तो हमारी मुलाकात हुई और मैम ने कहा मैं आपको तब से फॉलो कर रही हूँ जब आप लास्ट टाइम मेरठ आए थे। एक डेढ़ साल हो गया लगभग है। हाँ तो वो डेढ़ साल हो गया, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ और कल मुझे इतनी खुशी हुई यार दोबारा मेरठ आ रहे हो। मैंने कहा कोशिश करूंगी मिलने की। आप सुबह जब रामलाल पे आए मैंने तब भी सोचा, मैंने कहा नहीं आप थोड़ा लेट हो जाएंगे घर से निकलने में। फोन कर देते हैं, हम आ जाते हैं आपके घर। रामलाल के जो ऑनर है उनके घर के पास ही हमारा घर है। अच्छा पूड़ी है, आप खाने पीने का शौक है? हाँ सेहत से लग रहा होगा। क्या बहुत अच्छा, क्या बनाती है? मैं क्या बनाती हूँ? हाँ जी सर। मैम सबसे अच्छा क्या बनाती है खाने में ये बताइए। पागल बनाती है। चाइनीज चाइनीज। तो अगली बारी फिर चाइनीज हो जाए इनके घर में। साथ साथ आपको भी इनवाइट कर रही हूँ दोबारा। और चाइनीज के अलावा आप नान कह लो, आप शाही पनीर कह लो, जो आप स्माइल से पता लग रहा है कि भैया सब कुछ अच्छा बनाती है। खुश रखने का राज ही यही है। शादी को अच्छा तक समझ रहे हैं। हाँ, निकल आया है। कहते हैं कि आदमी का जो खुशी अगर देखनी है, मेल का जो दिल का जो रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है, ऐसा है क्या? देख लीजिए, तीन दिन से कुछ नहीं खा रहे, तीन दिन से कुछ नहीं खा रहे, कह रहे तीन दिन कुछ चार दिन कुछ नहीं खाऊंगा मेरा पेट अंदर हो जाएगा। हाँ, मेरे हस्बैंड भी यही बोल रहे हैं, वो भी सैलेड डाइट पर है आजकल। खाते ही नहीं है, सैलेड खाते ही नहीं है। अच्छा ये बस इनकी पाव भाजी कैसी है? इनकी पाव भाजी अच्छी है, अच्छी है। हाँ। आप खा के देखो आपको पता चलेगा। पूरा स्पून एक बार ट्राई करना और ज्योति बेकर्स जरूर ट्राई करना। चलिए ट्राई करते हैं, थैंक यू। ट्राई करेंगे पाव भाजी, जल्दी से एक प्लेट लगा दो पाव भाजी जल्दी से। तो पाव भाजी इतनी कलरफुल सी है ना, ट्राई कलर टाइप की लग रही है। मुझे लगता है ये हमारी नेशनल डिश। अच्छा हमारे सारे स्ट्रीट फूड ट्राई कलर्स के होते हैं, अगर आप गौर करो उसमें रेड भी होते हैं, ग्रीन भी होता है और व्हाइट भी होता है। ये बड़ा मजेदार है यार, लेकिन वहाँ की टेम्पटिंग लग रही है बहुत ज्यादा, इस तरह सजा रखी है, इतना बड़ा तवा उसमें भाजी। वाह भाई वाह, लाइए। अच्छा मेरे को तो जब डाल के दिया जा रहा होता ना खाना, उसी वक्त ऐसा लगता है कि बस सबका प्यार होता है, उनको लगता है हम बेस्ट से बेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा दे। अमूल बटर है? अरे वाह, लाइए इना ले ले, उठा ले। चलिए चलिए चलिए, यहाँ बैठे यहाँ बैठे, आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो ये पाव भाजी की प्लेट है जिसमें भाजी इन लोगों ने पनीर को कद्दूकस करके और मक्खन डाल के दी है, सैलेड दिया है, बहुत सारा हरी चटनी है और पाव है। मैं आपको बता रही हूँ और बताते बताते मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो खा के बताते हैं। ये भी थोड़े स्पाइसी। अच्छा पाव बहुत सॉफ्ट है यार, लादी पाव, लादी पाव जितना सॉफ्ट नहीं है बट काफी सॉफ्ट है। अच्छा इसमें जो है भाजी में कम मसाला है। अच्छा कम मसाला है। जो कम मसाला खाते हैं मेरठ के रहने वाले लोग, उनके लिए मुझे लगता है बहुत बढ़िया ऑप्शन है, है ना? कम मतलब बिल्कुल ही कम है, कम है। भाजी जिस तरह की हम दिल्ली में खाते हैं वैसी नहीं है, वैसी नहीं है, बिल्कुल ही लाइट भाजी है। मतलब अगर आप इसके और पाव इतना सॉफ्ट है तो अगर आप एक प्लेट पाव भाजी से आपका मन भर जाता है और पेट भर जाता है तो आप इसकी दो तो खा सकते हैं, इतनी लाइट है ये। अब सिरके वाले प्याज देंगे साथ में, मजा आएगा। तो बिरजू चाट भंडार की पाव भाजी मेरठ वाले बड़े चाव से खाते हैं, हमें भी ठीक ठाक लगी और टेस्ट करनी चाहिए एक बार, ठीक है? जरूर टेस्ट करनी चाहिए। चलिए और कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं फूड से रिलेटेड, है ना शेजरा लोगों से? आप फूड से रिलेटेड और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, आप मेरठ से हैं या आप किस शहर से हैं, हमें जरूर बताइए। आपके शहर में सबसे ज्यादा अच्छा खाने के लिए क्या मिलता है वो भी बताइए,
हो सकता है हमारा नेक्स्ट फूड टूर आपके शहर का और आपका फेवरेट फूड हम ट्राई कर रहे हो। बिल्कुल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।